नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जब भी हम गुड कहते हैं तो एक बड़ा प्यारा शुभ प्रकाश होता है, रोशनी होती है, और यही शुभता को लेकर आप तक आता है सब रंग, जिसमें होती है थोड़ी खुशी, थोड़ा प्यार, थोड़ा उमंग। लेकिन दोस्तों, हर रोज सुबह आपसे मिलने के लिए हमें एक रात से गुजरना पड़ता है। कोई बात नहीं, इसमें भी बड़ा प्यारा संदेश है। जब जीवन में रात हो, कुछ सूझे ना बूझे ना, तो थोड़ा धीरज रखिए। धीरज से जिसने रात गुजार दी, तो इसी धीरज ने फिर उसकी नाव पार उतार दी। जब कोई धैर्य रखता है तो उससे बहुत ज्ञान का, अनुभव का द्वार खुल जाता है। और यही कहता है आपको हमारा आज का सुवाक्य कि धनवान होना कोई बड़ी बात नहीं, पितु धैर्यवान होना बहुत बड़ी बात है। नमस्कार। धनवान होना बड़ी बात नहीं, लेकिन धैर्यवान होना बहुत बड़ी बात है। आज सफलता के लिए, ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे पास कितना धन है, यानी कि मेरा बैंक बैलेंस क्या है, और उसी मापदंड पर कभी कभी दूसरों के जीवन के बारे में सोच बनाई जाती है। आध्यात्मिकता हमारे जीवन में कई गुणों का निर्माण करती है। धैर्यवान होना वास्तव में धनवान बनना है। पेशेंस एंड पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेल्थ ऑफ लाइफ। धैर्यवान बनना धनवान बनना कैसे हो सकता है, ये सोचने की बात है। क्योंकि अगर हम धैर्यवान बनकर जीवन के छोटे बड़े निर्णय लेते हैं तो हमारी एनर्जी सेव होती है, और हम जो धन प्राप्त करते हैं वो केवल फिजिकल वेल्थ नहीं, स्थूल धन नहीं, लेकिन आध्यात्मिक धन को भी जमा करते चले जाते हैं, और हमारा स्पिरिचुअल बैंक जो है वो बहुत ही धनवान, यानी स्पिरिचुअल वेल्थ बढ़ने से हम अपने आप को बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग और कैपेबल बन जाते हैं। तो आइए आज से हम सही मायने को अर्थ दें कि हम धैर्यवान रहें और जीवन के निर्णयों में हम समझदारी को अपने साथ रखें। दोस्तों, जीवन में किसी भी शक्ति के सही उपयोग से ही सफलता मिलती है। यदि आप शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो असफलता तय है। जैसे आग खाना पका सकती है, लेकिन सही उपयोग ना हो तो घर भी जला सकती है। कार में आप सफ़र करते हैं, सही तरह से नियमों का पालन करते हैं, ब्रेक का यूज़ करते हैं, तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर कार में सही नियमों का पालन ना किया जाए, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो, तो एक्सीडेंट हो सकता है, सफ़र सफरिंग बन सकता है। और यही लागू होता है आपके विचारों को। यदि आपके विचारों का वेग बिल्कुल सही है, बैलेंस्ड है, तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी, सुखद अनुभूतियाँ होंगी। यदि उसका वेग बहुत बढ़ जाए, एक ही विचार बार 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 आता जाए, चलता जाए, उसे मेडिकल साइंस में OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, जिससे आपकी शारीरिक बहुत हानि होती है, आपको जीवन में सफलता भी बहुत कम मिलती है। तो आइए आज उसी के बारे में जानकारी लेते हैं, निदान के बारे में जानते हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी से। ओम शांति दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आपने सुना होगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD काफी कॉमन देखने में आता है आजकल समाज में। और यहाँ ध्यान रखना कि हमारे कंपल्स जो हमारे, जब ऑब्सेसिव मीन्स हम कोई ऐसे थॉट्स जो एक्सेसिव और रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं, इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं जो हम नहीं चाहते हैं, ऐसे भी थॉट्स आते हैं और बार बार आते हैं, यूजली एंजाइटी और फियर से पैदा होते हैं,
और वो जो है फिर हम उससे दैट लीड्स टू कंपल्शन। कंपल्शन माना हम फिर बार बार, जैसे मान लीजिए आपको एक ऑब्सेशन आ गया कि मेरे अबाउट कंटेमिनेशन, मेरे हाथ गंदे हैं, तो आप बार बार हाथ धोते रहेंगे। कंपल्सिव बिहेवियर है ना। जैसे कई बार क्या होता है, हम सोचते नहीं, हमारी शायद हम जो दरवाजे की जो होती ना बंद करना भूल गए, तो बार बार जाके चेक करेंगे। गैस हमने बंद करना भूल गए, बार बार जाके गैस चेक करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे अंदर से हम जो बार बार, इवन रात में भी, दिन में भी, कई बार इस तरह के हमारी एक कंपल्शन पैदा हो जाते हैं, जिससे हमारी डेली की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। ये जो व्यक्ति होते हैं, इनमें कई बार संबंधों में भी स्पेशली ये प्रॉब्लम्स आ सकती है कि हम कई बार डाउट करना शुरू करते हैं और इससे हमारे रिलेशनशिप्स बिगड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, इसमें जीन्स का भी रोल है कुछ हद तक, क्योंकि ये फैमिली पर रन भी कर सकता है। परफेक्शन और ऑब्सेशन, ये इसमें एक बहुत ही थिन लाइन है। परफेक्शन इज नॉट OCD, परफेक्ट होना अच्छी बात है, किंतु ऑब्सेशन होना एक बीमारी का रूप ले सकता है, जिससे आपकी डेली रूटीन एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो सकती हैं। जब भी आपको ऐसा हो, या फिजिशियन यानी आपके पास कोई नज़दीक में साइकोलॉजिस्ट है या साइकेट्रिस्ट है, उससे कंसल्ट करें। हालांकि इसका परमानेंट ट्रीटमेंट होना मुश्किल होता है, फिर वो दवाई लेने से आप अपने आप को इस बात को कम कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा मेडिटेशन भी आपकी मदद कर सकता है, आपके थॉट्स को लीनियर बनाने में, थॉट्स को आपके प्रॉपर ढंग से ऑर्डर में लाने में। मेडिटेशन के द्वारा जब अपनी EEG ब्रेन एक्टिविटी, ब्रेन रिदम को स्लो कर लेते हैं, तो देखने में आए ऐसी बीमारी से हम छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, ज्ञान और विज्ञान से जीवन में सुख का उदय होता है, लेकिन जीवन में सारा ज्ञान हम अनुभव से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए एक जीवन बहुत छोटा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे बहुत सारी बातों को, दुनिया को, लोगों को, अनुभवी जनों को देखकर या उन्हें करते हुए देखकर ही सीख लेना चाहिए। और कहते हैं, एक अनुभवी व्यक्ति से मिलना 1000 किताबें पढ़ने के बराबर है, और अनुभवी व्यक्ति से मिलकर आप अपना बहुत सारा समय बचा लेते हैं। और ऐसा ही हम करते हैं विशिष्ट की बात विशेष में, आपको बहुत ही गहरे अनुभवी जनों से मिलाते हैं। और आज हम जिन्हें आपसे मिलाने जा रहे हैं, आप हैं MB Jayaram ji, चीफ मेंटर PRCI कर्नाटका। आइए उनसे उनके अनुभवी विचारों को सुनते हैं। Whatever you want to have as a peace or happiness within or outside us, come to Brahma Kumari's place, wherever it is. It need not be Mount Abu, or there are so many places, exactly. So many places. Exactly. Go there, pray God, whichever God. We don't say that you should pray only Ishwara, only there. They have their own. Go and sit there. Some days, sit there in meditation, you will definitely find something for your life, whatever life left for you. You'll live happily and peacefully. That message definitely I have to give everyone, whether I'm here or whenever I go out also, I'll tell the same thing. I'm in touch with your Bangalore Center, Brahma Kumari, ma'am Padma Ji. She calls me for phone, or she sends people to my house and invite me for Bangalore program. Wonderful. I keep attending most of the program. If I am not there, of course, I cannot go. Right. Otherwise, I make it a point, which however busy I am, I'll go there, at least say hello to them. And that kind of relationship I have continued with them, because I like the kind of hospitality I get, right. The kind of love, right. And peace and happiness I get from these people, right. I don't think I can get it anywhere else. Right. This side is my heartfelt thing, and I am telling you. दोस्तों, जानकारी रखना, नई नई जानकारी प्राप्त करना, ये मानव जीवन का स्वभाव है। और जब आप न्यूज़ सुनते हैं, तो आपको एक विचार मिलता है, एक कर्म का दर्शन होता है, और हर दर्शन का आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग हैं जो हर बात की खबर रखते हैं, लेकिन बात तो उनकी है जो मिट्टी में भी सोना ढूंढ रखने की नज़र रखते हैं।
तो आप क्या ढूंढ रहे हैं, आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं, उसकी ओर आप दृष्टि दीजिए। और भाई और बहनों, जब आप उसकी ओर दृष्टि देते हैं तो आपका जो सारी शक्ति का वेग है उस ओर बहता है। अपनी जिज्ञासा के स्तर को उठाकर अपने जीवन को उठाया जा सकता है। जब आपकी नज़र अंधेरे से हटे तभी तो सूरज दिखाया जा सकता है। और फिलहाल रोशनी से भरी सूर्य के समान प्रकाशमान खबरें हैं आपके लिए पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ब्रह्मा कुमारी स्पतिया केंद्र द्वारा के IIT सभागार परिसर 6 में जीवन का आधार गीता का सार विषय पर आध्यात्मिक सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का माउंट आबू राजस्थान से पधारी मुख्य वक्ता वरिष्ठ राजयोग शिक्षक राजयोगिनी बी के उषा दीदी जी, ब्रह्मा कुमारीज भुवनेश्वर उपक्षेत्र प्रभारी राजयोगिनी बी के लीना दीदी जी, पटिया केंद्र प्रभारी राजयोगिनी बी के गुलाब दीदी जी तथा मुख्य अतिथि के रूप में पधारी के IIT की वाइस चांसलर प्रोफेसर सस्मिता सामंत ने दीप प्रज्वलित कर सत्र का उद्घाटन किया। वैल्यूज का आधार लेकर के चलेंगे, ये गीता हमें सिखाती है। जीवन का आधार गीता का सार, कि वैल्यूज के आधार से ही आप कोई भी बात में सक्सेसफुल हो सकते हैं। श्रीमती सस्मिता सामंत ने बीके उषा दीदी द्वारा गीता ज्ञान की बहुत ही सरल व्याख्या की सराहना की। बीके उषा दीदी जी और बीके लीना दीदी जी ने अतिथियों को ईश्वरीय उपहार और टोली भेंट की। इस सत्र में करीब 900 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वहीं दूसरे सत्र में दीदी जी ने आत्मा के साथ गुणों को छूने वाले अध्याय 2 के छंदों से शुरुआत किया। स्पिरिचुअलिटी हमें ये अंडरस्टैंडिंग देती है कि कैसे अपनी बैटरी को चार्ज करना है। As you think, so you become. जैसा सोचोगे, वैसा बनोगे। IOCL महाप्रबंधक श्री संजय महापात्रा ने अपना अनुभव साझा किया कि उन्होंने कैसे सकारात्मक विचार रखना और क्रोध पर विजय प्राप्त करना सीखा। ESIC क्षेत्रीय निदेशक श्री पार्थ सारथी पांडा ने कहा कि गीता के इस अनोखे और सरल विवरण को सुनने के बाद वे अवाक रह गए। अतिथियों को ईश्वरीय उपहार भेंट किए गए। कार्यक्रम का समापन सभी 850 प्रतिभागियों को शिव संदेश, आशीर्वाद कार्ड और टोली वितरित करने के साथ हुआ। जब आंखें बंद हो तो रोशनी में भी अंधेरा होता है, इसलिए हर सुबह सब रंग में हम आपसे किसी रोशनी की बात करते हैं, आती हुई सुबह रोशनी के साथ, ताकि हम रोशनी की ओर बढ़ें, हर ओर रोशनी हो। और दोस्तों, जो अपने जीवन में अपनी काबिलियत को बढ़ाता जाता है, अपने आप को काबिल बनाता चला जाता है, उसके जीवन में स्वर्ग होता है, जन्नत होती है। और इससे बेहतर इस प्यारी सी सुबह में आपके लिए और क्या शुभकामनाएं हो सकती हैं कि आपके जीवन में काबिलियत हो, ऐसी काबिलियत हो जो आपके साथ साथ आपके अपनों के जीवन में भी जन्नत हो। और सब रंग की है शुभकामनाएं, पूरी हर आपकी शुभ मन्नत हो। ओम शांति, नमस्कार।